है ना बेटा? तो हमने ग्राफ्स किए थे एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज. आई एम डिस्कसिंग इट विद यू टुडे बिकॉज येस्टरडे वी हैव लर्न दैट कि अगर हमारे पास ये पता चलता है कि ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने पता लग सकते हैं. तो विद दी हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आई एम डूइंग एक्सरसाइज 2.1 जो है कल हमने डिस्कस भी किया था. आई एम शोइंग इट यू ऑन हियर. ओके, द रोल नंबर 3, आर्यन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी. कर लिया मैंने प्लगिंग, सही कर ली. हाँ यस जी, मैम। यू जस्ट टेल मी इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, कितनी जगह पे नंबर ऑफ इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं. मैम नो वेयर। ओके, नो वेयर. तो दैट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, अगर कहीं कट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस पे तो कितने जीरोस होंगे बेटा? 10 अच्छा, अगर कट भी नहीं कर रहा तो तब भी 10. जीरो वाओ, होगा मैम, जीरो यस होगा। यस यस, दैट मींस क्योंकि यहां पर मेरे पास जो वो कट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस पे, तो दैट मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में मेरे पास जो है नो जीरोस. यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस है, दैट इज नो जीरो इज देयर बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट. ओके, तो यू जस्ट राइट नो जीरोस. ओके बेटा, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, यू जस्ट सी गया. हाँ जी, इन द सेकेंड ईशाप्रीत, यस बेटा, इन द सेकेंड पार्ट कितनी जगह पे कट कर रहा है ये? मैम 10। ओके, वेरी गुड, दैट इज 10 इज देयर. तो दैट मींस 100% क्योंकि ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, परमवीर, परमवीर इन द थर्ड पार्ट प्लीज टेल मी कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है परमवीर. मैम 3 0s। ओके, वेरी गुड, बिकॉज ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा. तो आपके बेटा ये बाकी 3 पार्ट्स जो हैं बेटा, ये होमवर्क हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट 3 पार्ट इज योर होमवर्क. ओके बेटा, इफ नो डाउट इज देयर यू ऑल ऑफ यू प्लीज लोअर योर हैंड. ओके, इफ नो डाउट इज देयर. हाँ जी, हर दिव्यांश, एनी प्रॉब्लम बेटा दिव्यांश? ओके, वेरी गुड. अब बेटा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सरसाइज की थी ये 1 मार्क के क्वेश्चंस की थी. अब जो नेक्स्ट हम करेंगे ना वो बेटा हमारे पास जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के कॉन्सेप्ट में आती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज एक्सरसाइज 2.2, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बेटा. ओके बेटा, अब बेटा मेरे पास जो है अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर पता होनी चाहिए. हम पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, है ना? तो सपोज आई एम हैविंग क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज माय पॉलिनोमियल. और मान लीजिए कि इसका मेरे पास जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, नॉट रूट्स की बात करूंगी मैं, बात करूंगी जीरोस की, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, है ना? तो मैं मान लेती हूँ लेट द जीरोस बी, है ना, जीरोस बी जो है अल्फा एंड बीटा मेरे पास. अगर इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा से, तो क्या रिलेशन है मेरे पास जो है ए बी सी, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनमें और जीरोस में जो अल्फा बीटा. जीरोस कौन सी वैल्यूज होती हैं जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, मतलब इसका आंसर इक्वल टू 0 बनाती है, इनमें क्या रिलेशन है? तो वो क्या रिलेशन है बेटा, आई एम टेलिंग यू द रिलेशन नाउ, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा मतलब
सम ऑफ जीरोस और सम को हम एस से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. आप माइनस बी बाय ए भी लिख सकते हो या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा. ओके बेटा, क्लियर. मैं फिर बता रही हूं बेटा कि हम क्या कर सकते हैं. पहला रिलेशन कि सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी. मैंने बी लिखा नेगेटिव एज इट इज. ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए. ओके बेटा, तो मेरे पास जो है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए. क्लियर, ये पहला रिलेशन. देखो इस तरफ जीरोस आ रहे हैं, इस तरफ कोफिशिएंट आ रहे हैं. ओके जी. सेकंड मेरे पास जो है, सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा. वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए, यानी कॉन्स्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, लेट मी शो यू, जस्ट वेट, कि यहां पर जो है मेरे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म जो है दैट इज सी ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में. मतलब जब भी आपको ये कहा जाए कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, तो दैट मींस आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अल्फा बीटा कैलकुलेट करोगे. अल्फा बीटा कैलकुलेट करने का मेथड पता क्या है, जैसे आप एट्थ में नाइन्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज लेते थे ना, कैलकुलेट करते थे ना, रूट्स निकालते थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पर है. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, टू वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, एक को अल्फा एक को बीटा आपने लेट कर देना, और बाकी चीजें तो आपके पास होंगी, तो अपने आप रिलेशन सेट हो जाएगा. अच्छा ठीक है. अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस, ताकि आपको क्लियर हो कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है ना, तो एग्जाम्पल सारे इसी पर बेस्ड है. जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो एग्जांपल्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. लेट अस डू द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. बेटा क्वेश्चन पहले रीड करती हूँ. फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. तो बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मेरे पास ये. अब बेटा जीरोस कैलकुलेट करते हैं. अब जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन से, वेरी इजी, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, जैसे आप एट्थ में करते थे नाइन्थ में करते थे, सेम कॉन्सेप्ट है. हम प्रोडक्ट करें तो माइनस 8 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 2 आए. तो बेटा क्या हमारे पास होता है, माइनस 4 प्लस 2x माइनस 8. देखिए उसके बाद क्या करते हैं, x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4. अब देखिए x माइनस 4 कॉमन, तो मेरे पास जो है x प्लस 2. अब क्या आ गया मेरे पास, दैट इम्प्लाइज, अगर आपको याद हो मेरे पास जो है ऐसे जीरोस होते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है ना. तो बेस्ट वे क्या होता है, अगर हमने जीरोस निकालने हैं, हम कोई जरूरत नहीं होती इनको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की. आप लिखो देयरफॉर जीरोस आर, कैसे लिखोगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4, और इसको जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2. बस, क्योंकि जीरोस बेसिकली होते क्या है, जो पी एक्स को जीरो बनाते हैं, इसीलिए इसको इक्वल टू जीरो कर दिया. अब जीरोस आ गए मेरे पास, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आगे तो रिलेशन सेट करना है. वो रिलेशन कैसे सेट करेंगे, अब मैं आपको बताने लगी हूँ. देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी लिखा कि अब आप लिखोगे टू वेरीफाई. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, yes बेटा, yes.
मैम ये दोबारा बता दो जो आपने जीरोस आर फोर एंड माइनस टू मेरे को मैम थोड़ा सा ये इसको जीरो पुट करो ना x माइनस फोर को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई फोर x प्लस टू को जीरो पुट करो x की वैल्यू कितनी आई माइनस टू ये लिखा मैम ओके दीक्षा हाँ जी चलो हेलो मिस चाय पी लो गरम है हेलो मिस गरम है हेलो हेलो गुड मॉर्निंग कार्तिके कार्तिके यू विल बी आउट ऑफ